हम पढ़ेंगे एक्चुअली चैप्टर प्रोनाउन का जो आपको थर्ड एक्सरसाइज है वो आज सॉल्व होगा. ओके, थर्ड एक्सरसाइज है रीराइट ईच सेंटेंसेस चेंजिंग ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउन्स इनटू द प्लूरल फॉर्म. यानी कि जो भी नाउन या प्रोनाउन दिए हुए हैं इनको हमें प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना है. मेक अदर चेंजेस ऑल्सो, और उनके साथ साथ जो बाकी चेंजेस होंगे उन्हें भी हमें कंप्लीट करना है. तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस देखिए, दैट डॉल इज हर्स. तो दैट का प्लूरल क्या होता है, इसे हम कॉपी में कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए यहाँ पे कॉपी में कैसे सॉल्व किया गया है, दैट डॉल इज हर्स. तो यहाँ पे दैट का जो प्लूरल होगा वो क्या हो जाएगा, दोज. दोज डॉल का डॉल्स, इज का प्लूरल होता है आर, और हर्स का प्लूरल हो जाएगा देयर्स. तो क्या बनेगा सेंटेंस, दोज डॉल्स आर देयर्स. उसी तरह से थर्ड जब सेंटेंस आप देखेंगे तो वो सेंटेंस है दिस हाउस इज माइन. यहाँ पे दिस का प्लूरल हो जाएगा दीज, हाउस का हाउसेस, इसका पहले भी बताया गया है आर, माइन का आवर्स. तो सेंटेंस क्या बनेगा, दीज हाउसेस आर आवर्स. उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, ही गेव मी अ बुक. यहाँ पर ही के लिए हम दे का यूज करेंगे. आप जब अपनी बुक ओपन करेंगे तो वहां पर देखिएगा सभी का प्लूरल प्रोनाउन दिया हुआ है. ही के लिए क्या यूज करना है, दैट के लिए, दिस के लिए कौन से प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन यूज होंगे, वो सभी आपके बुक में दिया हुआ है पहले से ही. तो ही के लिए हम दे लगाएंगे, गेव को गेव ही रहने देंगे, मी का प्लूरल हो जाएगा अस, और ए जो आता है वो एक के लिए आता है. तो यहाँ पर एक के लिए हमको लगाना नहीं है क्योंकि एक की बात हम करेंगे नहीं, हमें प्लूरल में बात करनी है. तो इसलिए हम बुक को बुक्स में कन्वर्ट करेंगे और ए को हटा देंगे. तो बनेगा दे गेव अस बुक्स. नेक्स्ट उसी तरह से शी वॉज प्लेइंग विद डॉल. शी का दे, वॉज का वर हो जाएगा प्लेइंग, विथ विथ, डॉल डॉल्स. तो क्या बनेगा, दे वर प्लेइंग विथ डॉल्स. इस तरह से हम बाकी सेंटेंसेस को भी प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट देखिए उसके बाद क्लास, उसके बाद क्वेश्चन एक्सरसाइज 4 है, लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट अदर इन द सेम वे यूजिंग द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गिवन बिलो. यहाँ पर कुछ ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिए हैं, इनका यूज करके हमें ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनको फिल करना है. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट में देखिए, आई लुक एट, आई के लिए क्या यूज होता है, माई सेल्फ. आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ इन द मिरर. नेक्स्ट देखिए, शी लुक एट हर सेल्फ इन द, आगे क्या लगाएंगे हम, मिरर. नेक्स्ट है ही लुक एट हिमसेल्फ. तो यहाँ पर देखिए कॉपी में जैसे किया गया है, ही लुक एट हिमसेल्फ इन द मिरर. नेक्स्ट फोर्थ है, यू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर. फिफ्थ, वी लुक एट, वी के लिए हम क्या लगाएंगे, आवर सेल्फ. तो वी लुक एट आवर सेल्फ इन द मिरर. और नेक्स्ट है सिक्स्थ, दे लुक एट, दे के लिए क्या लगेगा, themselves इन द मिरर. यानी सेंटेंस सारे वही रहेंगे और जो सब्जेक्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है. जैसे यहाँ पर सेवेंथ में देखिए, सेवेंथ में क्या है, मधु. तो क्या हो जाएगा, मधु लुक्ड एट. मधु क्या है, एक लड़की है, तो लड़की के लिए क्या लगेगा, हरसेल्फ. मधु लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर. उसके बाद फिर टॉम, टॉम क्या है, एक लड़का है, तो टॉम के लिए लगेगा हिमसेल्फ. टॉम लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर. इस एक्सरसाइज को हम बुक में ही सॉल्व करेंगे, थर्ड एक्सरसाइज को हम कॉपी में सॉल्व करेंगे और फोर्थ वाले को बुक में ही सॉल्व करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.